जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
जब कोई महादेव का कार्यक्रम होता है ना भोलेनाथ का, तो उसमें हर तरह के लोग आते हैं।
दीजिए, सुनने दीजिए, वो भी अपने ही परिवार के एक सदस्य हैं। मैं आप सबों का बहुत अभिनंदन करता हूँ, और सही मायने में कल तक जो निराशा थी, कल तक जो ये भाव था मन में कि पता नहीं क्या होगा, मैंने निर्णय तो ले लिया है, और करीब 3,000 लोगों के फोन के बाद मैंने निर्णय लिया था, लेकिन आज आपकी इस बड़ी उपस्थिति ने यह दिखा दिया कि यदि लोग मूड बना ले, यदि जनता चाहे, और ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। अमरपुर में जिस तरह राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की गई है, आप सभी यहाँ उपस्थित लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर यह जता दिया कि अमरपुर के लोग चाह क्या रहे हैं। आज आपकी इस उपस्थिति ने कल नहीं आज ही तय कर दिया है कि 10 नवंबर को परिणाम क्या होगा, और महादेव ने, भोलेनाथ ने जो परिस्थिति पैदा कर दी है, इस परिस्थिति में आपकी इस उपस्थिति ने इस धूप में भी वो मार्ग बना दिया है कि अमरपुर की आवाज, अमरपुर के लोगों की, आपकी जो ये आवाज उठने वाली है ना, इसकी गूंज सिर्फ बिहार में नहीं, दिल्ली तक सुनाई पड़ेगी। नौशेखर जिंदाबाद, नौशेखर जिंदाबाद, शेखर जिंदाबाद, शेखर जिंदाबाद, शेखर जिंदाबाद। मित्रों, यहाँ पर जो आप आए हैं ना, ये जो यहाँ पर लोग धूप में खड़े हैं, मैं तो वहाँ से चलकर आया था ताकि आपको छांव प्रदान कर पाऊँ, लेकिन मेरे पास मेरा आंचल इतना बड़ा नहीं हुआ है अभी, मैं आप सब लोगों को छांव प्रदान कर सकूं, या आप में वो ताकत है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमरपुर की जनता जिंदाबाद, 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 पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं आप सबों को, धूप नहीं लगता है, देखिए ये आदरणीय नवीन राय जी हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, भले ही विचार बहुत होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ जिनका विचारधारा भले ही अलग था, लेकिन इसे भी स्वीकार करिए, ये सब लोग यहाँ पर आए हुए लोग शायद ये इसलिए मुझसे कोई प्रेम करते हैं, मैं देखने में अच्छा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, ये विषय नहीं है, ये सब लोगों के अंदर ये भाव है कि इस व्यक्ति ने चुनाव हारने के बाद भी हौसला नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारी, और मित्रों मैं एक ही आपको वचन दे सकता हूँ, सिर्फ एक, यदि 20 दिन आप जग गए ना, इतने लोग, अरे मैं तो इतनी कल्पना भी नहीं किया था, आज यहाँ देखकर लगा आधे लोगों में मैंने जीत की कल्पना की थी, लेकिन आज मैं आप सबों के भरोसे, मैं अभी पत्रकार मित्रों ने पूछा मुझे डीएम साहब के गेट पर कि आपकी लड़ाई किससे है, आपकी टक्कर किससे, अभी पूछा, मैंने कहा मेरी लड़ाई खुद मुझसे है, मेरी टक्कर खुद मुझसे है। जय हो, जय हो। उन्होंने पूछा कि क्या टक्कर है, मैंने कहा टक्कर है कि लीड कितना बड़ा होगा, मार्जिन कितना बड़ा होगा, जीत कितनी बड़ी होगी, और जो जीत की गूंज होगी उसकी धुन कितनी बड़ी होगी।
पर सुन गंभीरता से, गंभीरता से मेरी बात 5 मिनट सुन लीजिए, क्योंकि ये जो 5 मिनट है ना, यदि हम सभी भाइयों ने, यहाँ सभी उपस्थित अभिभावकों ने यदि संकल्प ले लिया, तो मैं सिर्फ अपने तरफ से आपको यही वचन दे सकता हूँ, और वचन भी किसको, महादेव को साक्षी मानकर, भोलेनाथ को साक्षी मानकर, कि आपका सर मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं आपको सिर्फ यह वचन दे सकता हूँ कि अमरपुर की आवाज जो आज तक कभी सुनी नहीं गई, वो आवाज आपको बार बार सुनी जाएगी। मैं ये आपको वचन देता हूँ, मैं ये वचन दे सकता हूँ कि जो अमरपुर के किसानों के खेतों में, शंभुगंज के किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पाया, वो पानी 5 वर्षों में नहीं पहुंचा, तो मृणाल सागर को कान पकड़ के उठाकर भगा दीजिए। यदि मैंने अपने युवा साथियों के भरोसे को पूरा करने में सफलता नहीं पाई, तो वो निर्णय हमारे युवा साथी कर पाएंगे कि उनको क्या करना है। लेकिन मित्रों, एक अवसर तो देकर देखिए, क्योंकि हमको भी जिद है। मैंने उस दिन बोला था, बहुत सारे लोग गए थे, कि यदि आसमां को जिद है यही बिजलियां गिराने की, तो हम सबों को भी जिद है यही आसियां बसाने की। बीस दिन आज 8 हो गया, 20वें दिन चुनाव का वोटिंग है, 20वें दिन आप सभी यहाँ जितने लोग हैं वो सोइएगा मत। 20 दिन सिर्फ दीजिए, मैं आपको हाथ जोड़ करके आपसे 20 दिन मांगता हूँ। आप जहाँ जाइए सिर्फ यही एक बात कहिए, और मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा। और यहाँ उपस्थित सारे लोगों को, मैं शंभुगंज अमरपुर, मैं सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि मृणाल शेखर से भी कोई योग्य व्यक्ति हो आपके विधानसभा में, तो मैं आपको आग्रह कर रहा हूँ कि आप उनको मत दीजिए। यदि मुझसे भी कोई योग्य व्यक्ति दिखे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप निसंदेह उनको वोट दीजिए, लेकिन इस बार का वोट जातिवाद के नाम पर नहीं पड़ना चाहिए। इस बार का वोट परिवारवाद के नाम पर नहीं होना चाहिए। इस बार का वोट वंशवाद के नाम पर नहीं होना चाहिए। अमरपुर विधानसभा पूरे बिहार को यह संदेश दे कि इस बार का वोट विकासवाद के नाम पर होगा। इस बार का वोट युवावाद के नाम पर होगा, जो युवा साथी है ना उनके नाम पर वोट होगा। इस बार का वोट अच्छे व्यवहार के लिए होगा, अच्छे आचरण के लिए होगा, शिष्टाचार के लिए होगा, योग्यता के लिए होगा। इस बार का जो वोट होगा ना, वो इस क्षेत्र को परिवर्तन के रास्ते पर ले जाने के लिए होगा। यदि आपने आज इस मैदान पर तय कर लिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत, रुक जाए 5 मिनट, यदि आपने यहाँ से तय कर लिया कि हम 20 दिन सोएंगे नहीं, हम जहाँ जाएंगे सिर्फ यही बात, और जो भी आपसे डिबेट करना चाहें, कोई बात विवाद करें, उससे बहुत शालीनता से जवाब दीजिए कि भैया जो भी प्रत्याशी खड़े हैं ना, जो भी प्रत्याशी 2-3 टक्कर में हैं, उनका 5 गुण बता दो, 5 गुण बता दो कि उनका क्या योगदान है। अभी कोरोना जैसा संकट आया था, उस संकट में अमरपुर का हाल चाल लेने के लिए कौन कौन लोग आए थे, डेंगू आया था तो उस समय कौन लोग आए थे, आपके शादी में, श्राद्ध में, सत्यनारायण प्रभु के पूजा में, सुख में, दुख में, सर्जिकल स्ट्राइक हो उसमें, देश का गौरव बढ़ाने में कौन आदमी आया आपके लिए। मित्रों, मैं बार बार इसलिए याद दिलाता हूँ क्योंकि आप सभी को याद दिलाना पड़ता है, 8 नवंबर 2015 को परिणाम आया था, 8 नवंबर 2015, उस दिन कौन सा था पता है, धनतेरस का दिन था, धनतेरस, और 11 तारीख को काली पूजा थी। 11 तारीख से मैं आप सबों के बीच हूँ। भरतशिला के कितने लोग हैं, भरतशिला मैं था उस दिन, बिशनपुर के लोग हैं, हाँ कुशमाहा के लोग हैं, हाँ जी हाँ जी मैं था उस दिन, हाँ। सिर्फ 2 दिन के बाद, और मेरा दावा है बिहार नहीं पूरे देश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाव सिर्फ एक ही है कि यह मेरी जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है। इसका कर्ज है जो लोग इस मिट्टी में जन्मे ही नहीं, जिनका अमरपुर से कोई लेना देना ही नहीं, जिनका सिर्फ अमरपुर से वोट का रिश्ता होगा, वो क्यों आपकी चिंता करेंगे? कभी नहीं। मेरा अमरपुर से वोट का नहीं, बेटे का रिश्ता है। मैं बार बार कहता हूँ, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शंभूगंज से स्वार्थ का नहीं, सांसों का रिश्ता है, सांसों का। इसलिए मित्रों, सिर्फ 20 दिन दीजिए, 20 दिन। अगर अगले 5 वर्ष में अमरपुर को आगे नहीं ले जा पाया तो आपके इस बेटे और आपके इस भाई पर आपको गर्व नहीं हुआ? क्यों? आज जो आप इतने लोग आए हैं, कहीं ना कहीं मन में ये उद्वेलना तो है कि अन्याय हुआ है। इतना परिश्रम करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी आप मजदूर रखते हैं, सुबह रखते हैं तो शाम में उसको पैसा देना पड़ता है, देना पड़ता है ना। और कोई 10 साल काम करेगा, 5 साल रोज, जैसे बच्चा टिफिन लेके जाता है ना स्कूल, वैसा ही मैं घर से टिफिन लेकर के अमरपुर आता था ना। और 30 मार्च से, 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ, 30 मार्च से अमरपुर में हूँ, जनता रसोई चला रहा हूँ। जो भी संभव है, लोग पैसे कमाकर अपना घर बनाते हैं, बिल्डिंग दिखाते हैं कि 4 एकड़ में है, 2 एकड़ में है। और हमको जो मित्रों के साथ सहायता होती है, मैं वो कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ कर सकूँ। इसलिए मित्रों, इस बार का चुनाव आपके भरोसे लड़ा जाएगा। इस बार का चुनाव आपको दिखाना है कि आपके अंदर ताकत क्या है। अरे आप चाहेंगे ना तो ये विधानसभा चुनाव क्या, आप तो कुछ भी कर देंगे। बड़ी से बड़ी सत्ता भी जनशक्ति के आगे उखड़ जाती है। इसलिए आप सबों का साथ रहना चाहिए और विश्वास रखिए, हम सभी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। यदि जो लोग भी मेरे साथ 20 दिन देने वाले हैं, दिन रात जो 20 दिन दे सकते हैं, सक्षम हैं, शरीर से सक्षम ना भी हो तो मन से, क्योंकि ये जो मन है ना आपका, आप, मैं एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, एक व्यवहारिक बात सुन लीजिए और अपनाइएगा कि जब मन अच्छा होता है ना, मन जब अच्छा होता है तो ये तन भी चलता है। शरीर आप जब मन में कुछ बिठा लीजिए कि नहीं ठीक नहीं है, तो शरीर भी सुस्त हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो यदि मन को आप अच्छा रखेंगे ना कि हम परिवर्तन करके रहेंगे, इस राजतंत्र को बदल कर रहेंगे, जो लोग ऐसे हैं जो ठगने के लिए आए हैं, हमारा वोट लूटने के लिए आए हैं, ऐसे लोगों को करारा जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे। आप अपने मन को अच्छा रखिए, तन भी चलेगा। और जो लोग धन लेकर आएंगे, जो लोग वो खरीद कर आते हैं ना, टिकट उकट खरीद के भी बहुत लोग आते हैं, ऐसे लोगों को भी फिर हिस्सा जवाब मिल जाएगा। इसलिए क्योंकि ये है, मैं एक और निवेदन करने जा रहा हूँ आप सबों से कि आप सभी जहाँ भी हैं, अब कल से, आज से योजना बनाएंगे। अभी मैं जेठौर बाबा के दर्शन को जाऊंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा, माता तेलडिहा के दरबार में हाजिरी लगाऊंगा, पेनियानाथ बाबा को जाऊंगा। आज मैं सारे जितने हैं ना दरबार में हाजिरी लगाकर, और कल फिर पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ, जो दूसरे प्रत्याशी आएंगे वो तो 18 दिन घूमेंगे, और आप के बीच ये जो आपका बेटा भाई खड़ा है, ये तो 5 साल आप ही के बीच है, तो उनको तो अब सोचिए कि 5 साल जब हम घूम लिए हैं तो 18 दिन में कितना घूम पाए, क्या कर पाएंगे? 18 ही दिन है ना। और उनके बारे में सबको, सबके बारे में पता ही है। इसलिए बिना ज़्यादा कहे ये तय करिए कि वोट की मार्जिन इतनी बड़ी हो, इतना बड़ा लकीर खींच दीजिए कि ये पता चल जाए कि अयोग्य लोगों का कोई स्थान नहीं, योग्य लोगों का ही। आप दिखाइए, आप अपनी ताकत को दिखाइए कि आपके अंदर ताकत क्या है। मैं यही, आप सभी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं,
मैं आप सबों को प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद लेते हुए मैं इस जंग में कूदा हूँ। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि 3-4 दिन कितनी पीड़ा में बीती है, लेकिन हजारों लोगों ने फोन किया, यहाँ पर शायद लगभग लोगों ने फोन किया होगा, बार-बार फोन करते थे और दिन भर फोन आता था, और तब जा कर के निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, यदि अब निर्णय नहीं लेंगे तो फिर जन भावना के विपरीत हो जाए। आपने निर्णय ले लिया है, अमरपुर विधानसभा के सारे जनता ने निर्णय ले लिया है, बस और कुछ नहीं। इसलिए सब लोग अमरपुर विधानसभा का जनता चुनाव लड़ रहा है, जनता चुनाव लड़ रहा है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो खड़े हैं ना, ये श्री रामदेव यादव चाचा जी हैं, बरौठा घर है, बरौठा वहाँ वो जगह है, मैं एक सिर्फ उदाहरण देता हूँ, जहाँ पर हम जैसे लोगों की एंट्री नहीं थी। क्या गलत बोल रहे हैं? लेकिन 5 वर्षों में हम लोगों ने जाकर उस जगह को सींचा है, संपर्क और संबंध बनाए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि चाचा आपकी उम्र 75 हो गई होगी, 65 साल है। अभी जनहित में एक कार्यक्रम के एक कोई ये था, उसके कारण इनको जेल जाना पड़ा। अभी 15-20 दिन पहले की बात करता हूँ, 20-25 दिन। ये महंत जी हैं, वाल्मीकि यादव जी, चचा हमको हाजत से फ़ोन किए, हाजत से हम फ़ोन किए के बाद हमको परेशान थे कि चचा जेल जाने वाले हैं, जाने वाले थे उस समय, हाजत में थे। तो हमको क्या बोलते हैं, अपने हमरो चिंता नहीं करबे, हम जेबे फिर निकलिए जेबे। मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए आदमी किस सोच से आगे काम हो रहा है। इन्होंने क्या कहा है, जे अपने शुरू कर ले छे ना कार्यक्रम जन आशीर्वाद वाला है, एको दिन एको घंटा कोई कीमतों में रुकना नहीं चाहिए। तो जब ऐसे लोग हैं, रामदेव चचा जैसे लोग हैं, तो और महादेव का आशीर्वाद है कि आप सभी यहाँ आ गए हैं। मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि आप सबों ने संकल्प ले लिया तो दोनों हाथ उठाकर बोलिए, हर सभी लोग जो संकल्प ले रहे हैं, उनके सारे कार्यकर्ता जिंदा, नहीं चुकाई जा सकती है। आप सबके स्नेह के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और फिर आज से हर व्यक्ति मृणाल शेखर है, मैं आपको कहता हूँ कि आप सभी मृणाल शेखर हैं, और एक एक व्यक्ति मृणाल शेखर बनकर काम करे। आज जाकर मैंने कल अपने युवा साथियों को रात में आग्रह किया कि आप जाकर आप गाँव गाँव जाइए, बड़े बुजुर्गों का पैर छुइए और उनको कहिए कि मैं मृणाल शेखर की तरफ से आप सबों का आशीर्वाद बना रहे, आपकी शुभकामनाएं बना रहे। और मुझे अमरपुर का उज्ज्वल भविष्य यहाँ से दिख रहा है। मैं अपने सारे ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ जिनके कानों पर अभी तक जू नहीं रेंग पा रही है, जो लोग अमरपुर को भविष्य नहीं देख रहे हैं, वो आए और इस मैदान पर आकर हम बदले हुए अमरपुर को देख लें, शंभूगंज को देख लें कि क्या इतिहास रचने जा रहा है वो आकर देख।